वेलकम वंस अगेन। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर मशीन एलिमेंट्स एंड मशीन, यानी कि मशीन एलिमेंट्स, मशीन अवयव और मशीन यानी कि यंत्रों के लिए कौन बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स यानी कि बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आवश्यकताएँ क्या क्या होती हैं, इसको एक देखने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दो ये आप देख रहे हैं, मैंने एक पेज में लिख के रखा है, ये तकरीबन 22 पॉइंट्स हैं, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है, देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस 22 में से आपको कम से कम 15 पॉइंट्स आपके टिप ऑफ टंग रहनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में ये जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत आसानी से इसको डिफाइन कर सकें। एटलीस्ट 15। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स के तौर पर हम प्रयोग करते हैं। तो पहला है कॉस्ट यानी कि लागत, दूसरा है हाई आउटपुट एंड इफिशियंसी यानी कि दक्षता या ज़्यादा उत्पाद, स्टिफनेस और रिजिडिटी मतलब कठोरता, वियर रेजिस्टेंट टूट फूट के लिए जो प्रतिरोधक होता है, जंग प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं वो, लाइट वेट एंड मिनिमम डायमेंशन मतलब हल्का होना चाहिए और मिनिमम डायमेंशन कम से कम डायमेंशन होना चाहिए, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीय, ड्यूरेबिलिटी यानी ऑफकोर्स टिकाऊ, इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि इसका आर्थिक, इस पूरे एलिमेंट का प्रदर्शन कैसा है, आर्थिक दृष्टिकोण इसका कैसा है, इसका अध्ययन, असेसिबिलिटी यानी इसकी पहुंच कैसी है, प्रोसेसिबिलिटी यानी कि ये प्रोसेस हो सकता है कि नहीं, कंप्लायंस विद स्टेट स्टैंडर्ड, इसको ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड। जब हम डिज़ाइन डेटा बुक को रिफ़र करना स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में, तो मैं आपको और डिटेल में इन स्टैंडर्ड्स को बताऊंगा। स्टेट स्टैंडर्ड मतलब हमारे देश में जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको, ये स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट नहीं, ध्यान दें ये कंट्री वाइज होता है, तो जिस भी कंट्री के जो भी स्टैंडर्ड्स हो उनको कंप्लायंस कर सकें, उस कंप्लायंस मतलब उसका अनुपालन, आई थिंक हिंदी में स्टैंडर्ड का अनुपालन कर सके। ल्यूब्रिकेशन स्नेहक, आप हम पहले इसके बारे में डिटेल में प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन सेफ्टी, अगेन ये पॉइंट हम पहले देख चुके हैं, अगले काफ़ी पॉइंट्स एक दूसरे से सिमिलर हैं, फिर भी देखने की कोशिश करते हैं जल्दी से। ईज़ ऑफ असेंबली, असेंबली ड्राइंग आपने पढ़ा है, असेंबली करते हैं तो ईज़ ऑफ असेंबली होना चाहिए, आप सब पार्ट्स को रखें और तुरंत जुड़ें और उसको असेंबल हो जाए। ईज़ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड डिसअसेंबली यानी कि वो साधारण हो, उसका डिज़ाइन साधारण हो और वो डिसअसेंबल भी बहुत जल्दी हो जाए, जस्ट इसका अपोजिट, ध्यान देंगे पॉइंट्स को। ईज़ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सर्विसिंग ऑफ सर्विसिंग एंड कंट्रोल यानी कि इसकी सर्विसिंग जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए, जल्दी तो नहीं आसानी से हो जाए, ऐसा कोई पार्ट ना रहे जो ठीक से सर्विसिंग जिसकी ना हो पाए। इकोनॉमी ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगेन रिपेयर एंड मेंटेनेंस आसानी से हो। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, स्टैंडर्ड्स पार्ट लगे, देखिए स्टैंडर्ड पार्ट फिर से आया, मैं अगेन इसको आपको रिपीट करता हूँ कि हम नेक्स्ट इसमें देखने की कोशिश करेंगे ही। इसके अलावा यूज़ ऑफ ईजीली अवेलेबल मटेरियल, मतलब ये जो हम एलिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं ये ईजीली अवेलेबल मटेरियल द्वारा बना होना चाहिए, अपीरेंस इसका लुक वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, एस्थेटिक लुक ध्यान देंगे, अपीरियंस वर्ड अब थोड़ा सा ओल्ड फैशन होता जा रहा है, हम आज के दौर में हम एस्थेटिक लुक, मैं लिख के देखता हूँ, एस्थेटिक लुक होना चाहिए, इस एस्थेटिक लुक के कारण हमें जो आज के प्रोडक्ट की डिमांड है वो हमेशा एस्थेटिक होनी चाहिए, यानी कि रोबस्ट और मजबूत दोनों का मीनिंग होता है एस्थेटिक, तो एस्थेटिक लुक बेहद ज़रूरी है। नंबर ऑफ मशीन टू बी बिल्ड, ये एलिमेंट्स के ऊपर आप कितनी मशीनें बनाने वाले हैं इसका आप हम निर्धारण करते हैं, और स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती। तो हिंदी में तो हम इसको किसी जैसे मैंने आपको प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में बताया था, हिंदी में तो हम इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको इंग्लिश में ही याद करना, तो मैं आपको जैसे हमेशा बोलता रहता हूँ
कि आप इसे इंग्लिश में ही याद करिए, तो आप इन इन सारे 22 पॉइंट्स में से 15 आपके इजीली मेमोरेबल जो पॉइंट्स हैं उनको अलग निकालिए, और अलग निकालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया आप उनको उसको उसी तरीके से प्लान मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ठीक उसी तरीके से आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। सपोज फॉर एग्जांपल एस फॉर स्टिफनेस, डब्ल्यू फॉर वियर, आर फॉर रिलायबल, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, ए फॉर असेसिबिलिटी, पी फॉर प्रोसेसिबिलिटी। बिकॉज ए असेसिबिलिटी आपको याद रहा तो डेफिनेटली प्रोसेसिबिलिटी भी याद रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे मैंने यहाँ से अंडरलाइन किया है इन सारों को, एस डब्ल्यू आर डी ए पी। इस तरीके से आप पांच पांच वर्ड्स के बना लीजिए, उन पांच पांच वर्ड्स के याद रखिए और बहुत आसानी से आप इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से ऑपरेशन सेफ्टी ल्यूब्रिकेशन इस यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद की जितनी है जैसे असेंबली है तो डेफिनेटली वो डिसअसेंबली भी होगा, रिपेयर है तो ऑफकोर्स मेंटेनेंस भी होगा। ये आप पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं सर्विसिंग और रिपेयर, ये दोनों कभी कभी सेम इसमें भी देखा जाता है, जैसे असेंबली और डिसअसेंबली ये एक साथ ही होते हैं मोस्टली एनीवे, बट आप सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस इनको याद रखेंगे तो आपके दो पॉइंट बन गए। तो असेंबली डिसअसेंबली सर्विसिंग मेंटेनेंस स्टैंडर्ड पार्ट इजीली अवेलेबल अपीरियंस स्ट्रेंथ, इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से अपने शब्दों में आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से ऐसे पांच पांच स्मॉल वर्ड बनाइए और एटलीस्ट 15 रिक्वायरमेंट्स को आप मेमोराइज करिए। एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, जिससे कि हम बहुत आसानी से इनका इनको इनका उत्तर दे सकें। तो आज का क्वेश्चन भी आज का जो क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है कि मेमोराइज सॉरी मेमोराइज तो आपको एग्जामिनेशन में करके जाना है, मुझे तो अपने इसमें लिखना है तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मशीन डिज़ाइन, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं पुराना वीडियो और उसको उस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। दूसरा राइट डाउन एटलीस्ट 15 बेसिक डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर मशीन एलिमेंट्स। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आज की डेट है, आप डेट डालिएगा आज की तारीख, और उसके बाद यहाँ पहला क्वेश्चन है डिफाइन मशीन डिज़ाइन, दो लाइन का क्वेश्चन है, आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा इनमें से 15 पॉइंट्स आप अपने हिसाब से याद करके, सिर्फ पॉइंट्स लिखना है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, आसान पॉइंट्स हैं, आप बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये जो डॉम की बुक है उसमें इसको ज़रूर लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।